तरफ जहां पुलिस माफिया राज खत्म करने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के निर्देश पर इंदौर नगर निगम भी अवैध निर्माणों पर जमकर टूट पड़ी है। इसी तारतम्य में टेलीफोन नगर स्थित अवैध निर्माणों पर कल जहां दो जेसीबी चलाई गई, तो वहीं आज इसी निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए पोकलेन मशीन बुलाई गई है। निगम के उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि टेलीफोन नगर के अंकित कोठारी की G+6 व G+7 बिल्डिंग पर बेतहाशा अवैध निर्माण किया गया है। अवैध रूप से बिल्डिंग में गैलरी निकालकर वहां टॉयलेट बना दिए गए हैं। इस बिल्डिंग के कई फ्लैट बिक चुके हैं, तो वहीं कई बिकने की जुगत में लगे हुए हैं। ऐसे में निगम को लगातार मिल रही शिकायत के बाद रविवार दोपहर से शुरू हुई कार्यवाही सोमवार को भी जारी है। निगम अधिकारी ने बताया कि कार्यवाही में करीब 300 से अधिक कर्मचारी गैस कटर, हाइड्रोलिक मशीन, जेसीबी, पॉकलेन की मदद से इस अवैध निर्माण को तहस नहस करने में जुटे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इंदौर नगर निगम द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं शहर में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण अभी भी तने हुए हैं। आगे देखना होगा कि निगम की इन अतिक्रमण के ऊपर कैसे कार्यवाही होती है। देखिए, आज जो कार्रवाई है ये अंकित कोठारी टेलीफोन नगर में उन्होंने एक बिल्डिंग का निर्माण किया है जिसके अंदर की जो सेंक्शन मैप है उसके विरुद्ध जाकर के निर्माण किया गया है, उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई कल दोपहर से जारी है। वर्तमान में आज चूंकि ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, G+6, G+7 और इस ये तीन बिल्डिंगें हैं, तीसरी बिल्डिंग में भी दो बिल्डिंग मिलाकर के एक बिल्डिंग बनी हुई है, अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारे सामने चार बिल्डिंग हटाने की स्थिति है। इसमें जो आसपास का फ्लैट है उसमें चारों तरफ जो बालकनी है उसको कवर कर लिया गया है और जो गैलरी का ओपन एरिया है वहाँ टॉयलेट बना दिए गए हैं। इस तरह से इसमें काफ़ी बड़ा निर्माण अवैध रूप से किया गया है। इसके ऊपर की जो मंजिल है वो भी पूर्ण रूप से अवैध है, लिहाजा कल जो काम दो हम लोगों ने 2:30 बजे से किया था उसमें 5:30 बजे तक हम नीचे के फ्लोर कुछ करवा पाए थे। इसके बाद अब ऊपर का हम लोगों ने काम शुरू किया है और उसके लिए हमें विशेष रूप से अपने गैस कटर, वाइब्रेटर और जो हैं हाइड्रोलिक ट्रैक्टर मशीनें लगानी पड़ी है। कल हमारे पास 2 JCB थी, आज हम 2 पोकलेन लेकर के आए हैं और साथ में 200 तो नगर निगम के रिमूवल के कर्मचारी है। साथ में हम लोगों ने आज 100 मजदूर साथ में रखा है। इस पर लगभग 300 के आसपास के जो कर्मचारी हैं इसमें मैनुअली लगाए गए हैं और कार्यवाही जारी है। सर, क्या ये बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और क्या इसके फ्लैट भी बिक्री हो चुके थे, रहवासी क्या रहने लगे? जानकारी ये मिली है कि इसके फ्लैट कुछ बिक चुके थे। 2 बिल्डिंगें तो पूरी तरह से कंप्लीट हैं, कुछ कुछ हिस्से बचे हुए हैं। जो 3री बिल्डिंग है वो भी लगभग पूर्ण होने की स्थिति में। आपका नाम? महेंद्र सिंह चौहान, उपायुक्त नगर निगम।